हेलो दोस्तों, डेयरी इंडिया में एक बहुत ही पॉपुलर बिजनेस है। आप किसी भी घर में चले जाइए, आपको गाय भैंस दिखाई देगा, लेकिन उसको साइंटिफिकली पालने में बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्टेट बैंक से लोन लेके डेयरी चालू कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मैं रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता हूँ जो आपको डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं। फ्रेंड, ये स्कीम का नाम है डेयरी प्लस। ये स्कीम से आप बहुत बड़ा डेयरी नहीं खोल सकते, लेकिन अगर छोटा मोटा से आप शुरू करना चाहते हैं तो ये स्कीम आपको हेल्प कर सकते हैं। ये स्कीम का डिटेल आपको बताने से पहले कुछ बेसिक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आप पहली बार डेयरी शुरू करना चाहते हैं तो यूजुअली बैंक जो मानता है कि आपका एक्सपीरियंस नहीं तो आपका ट्रेनिंग, क्योंकि अभी सभी घर घर में डेयरी का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, फिर भी ये ट्रेनिंग पार्ट इसीलिए बैंक मांगता है कि कभी अगर डिजीज हो गया तो क्या स्टेप आप लेंगे। तो साइंटिफिकली पालने के लिए कुछ स्टेप की जरूरत पड़ता है जो ट्रेनिंग के बिना करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप अभी नया शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक ट्रेनिंग ले लीजिए। बहुत सारा जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, नहीं तो जो लोकल फार्म है वहां से भी आप ले सकते हैं। लेकिन आपका जो ट्रेनिंग है, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट हुआ तो आपको ये लोन मिलने का चांस बहुत ही ज्यादा होगा। दूसरा जो चीज आपको इंश्योर करना है वो है शेड, कहां पर आप डेयरी का शेड बनाएंगे, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है। हो सकता है आपके पास कोई लैंड नहीं है, अगर आपके पास शेड बनाने के लिए लैंड नहीं है आप लीज में ले सकते हैं, लेकिन लीज का जो टाइम वो 5 साल से ज्यादा होना चाहिए। इनफैक्ट बैंक चाहता है कि 10 साल से भी ज्यादा हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म ना होने से तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप लीज में करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि लीज 10 साल से ज्यादा हो। तो आपका लैंड की जरूरत पड़ेगा, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगा, और ये दोनों चीज अगर रेडी हुआ तो थर्ड जो चीज आपको इंश्योर करना है ये लोन लेने से पहले कि क्या आपके एरिया में कोई मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है कि नहीं। ये आप लोकल जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वहां पे जाके भी कॉन्टेक्ट कर सकते, नहीं तो लोकल जो मिल्क का फार्म है वहां पे जाके भी पूछ सकते हैं कि अमूल टाइप कोई सोसाइटी है कि नहीं। अगर है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप पहली बार ये लोन लेना चाहते हैं तो उनके साथ एक टाई अप बनाइए। अगर आप टाई अप बनाते हैं तो यूजुअली लोन मिलना बहुत ही इजी हो जाता है। और टाई अप बनाने के बाद क्या होता है, वो लोग आपका जो दूध होता है वो ले जाता है और आपको थोड़ा ट्रेनिंग भी देता है। तो इसीलिए बैंक प्रेफर करता है अगर आपका कोई अमूल टाइप मिल्क सोसाइटी के साथ टाई अप है तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। दोस्तों, एसबीआई का ये डेयरी प्लस स्कीम में आपका मिनिमम एज 18 से ज्यादा होना पड़ेगा एंड मैक्सिमम 65। तो 65 से ऊपर अगर अभी आपका उम्र है तो आप बेटे के नाम पे ये कर सकते हैं। दूसरा जो रिक्वायरमेंट एसबीआई मांगता है वो है कि टाई अप। अगर आपका कोई अमूल टाइप मिल्क सोसाइटी के साथ टाई अप है तो यूजुअली इजीली ये लोन सैंक्शन हो जाता है। अगर टाई अप नहीं है तो बाकी जो क्राइटेरिया है अगर ठीक से फुलफिल करते हैं तो तब भी आपको लोन मिल सकता है। बाकी क्राइटेरिया में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास अगर 10 से कम एनिमल है तो पार 5 एनिमल आपको 0.25 एकड़ जमीन दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फोडर कल्टिवेशन के लिए जमीन की जरूरत पड़ता है। और अगर 10 से ज्यादा एनिमल आपके पास है तो पार 5 एनिमल आपके पास 1 एकड़ जमीन होना पड़ेगा, तभी आपको लोन मिलेगा। और एक चीज बैंक तब देखेगा अगर टाई अप नहीं है कि लास्ट 2 साल से अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तभी आपको लोन मिलेगा। तो प्रॉफिट के लिए आपको बैलेंस शीट ये सब चीज भी मेंटेन करना पड़ेगा, तभी बैंक को पता चलेगा कि आप प्रॉफिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। हो सकता है बैंक आईटीआर भी चेक करे। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अगर आप नया फार्मर है तो टाई अप के लिए जाइए। इससे ये जो बाकी जो फॉर्मेलिटी है वो उतना नहीं दिखा जाता है, सिंपली अगर टाई अप होता है और उन लोगों का अगर एक लेटर मिल जाता है तो आपको लोन मिल जाएगा। ये लोन आप डेयरी का किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। आप सेट बनाने के लिए ले सकते हैं, गाय भैंस खरीदने के लिए ले सकते हैं, मिल्किंग मशीन और जो भी मशीनरी है डेयरी का वो भी खरीदने के लिए आप ये लोन ले सकते हैं। अगर आप भैंस खरीद रहे हैं तो मिनिमम उसको पर डे 7 लीटर दूध देना पड़ेगा, और अगर आप गाय खरीद रहे हैं
ठीक है काऊ खरीद रहे हैं तो मिनिमम 8 लीटर पर डे उसको दूध देना पड़ेगा। तो ये चीज आपको देख लेना है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। जो भी एनिमल आप खरीद रहे हैं आपको 2 बैच में खरीदना पड़ेगा। 1 बैच में खरीदने के लिए बैंक आपको लोन नहीं देगा। 2 बैच में खरीदने से क्या होगा, 6 महीने के गैप में आपका जो दूध का प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू होते जाएगा और आपका जो अर्निंग है वो रेगुलरली आते जाएगा। मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है वो 5 लाख है, ठीक है। वो जो टर्म लोन पोर्शन है जहां पर आप गाय भैंस खरीद सकते हैं, मशीन खरीद सकते हैं, वो 5 लाख हो सकता है। और उसके साथ साथ आपको पर एनिमल 2500 करके वर्किंग कैपिटल का भी लोन मिलेगा। अगर आप फोडर कल्टीवेशन के लिए लोन लेना चाहते हैं आप इसके साथ साथ केसीसी भी ले सकते हैं। ये केसीसी लेके आप फोडर का जो कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन टर्म लोन में 5 लाख, वर्किंग कैपिटल में 2500 पर एनिमल और इसके साथ साथ केसीसी लेके आप फोडर कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। दोस्तों 1 लाख लोन तक आपको कोई भी मार्जिन देने की जरूरत नहीं है। इसके मतलब है कि अगर भैंस खरीदने का खर्चा 1 लाख हुआ तो बैंक आपको 1 लाख ही फाइनेंस कर देगा और उसके साथ साथ कोई भी सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर आप छोटा मोटा फार्मर है, 1-2 भैंस लेके शुरू करना चाहते हैं तो 1 लाख तक लोन लीजिए। कोई भी मार्केट मार्जिन नहीं लगेगा, कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगेगा। अगर आप 1 लाख के ऊपर से 5 लाख तक लेना चाहते हैं तो 10% मार्जिन की जरूरत पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका खर्चा होगा उसका 10% आप देंगे और 90% बैंक फाइनेंस करेगा और सिक्योरिटी में आपको मॉर्गेज देना पड़ेगा। अगर आपका कोई घर है, जमीन है, आप मॉर्गेज दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई मॉर्गेज नहीं है तो आप थर्ड पार्टी गारंटी भी दे सकते हैं। घर में अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो वो एज ए गारंटर हो सकता है और बैंक ले भी लेता है। अगर स्टेट बैंक में उसका सैलरी अकाउंट हो तो और भी अच्छा है। अगर वो भी नहीं है तो 2 डेयरी फार्मर का अगर गारंटी मिल जाए जिसका ऑलरेडी बैंक में फाइनेंस है तब भी बैंक आपको ये लोन दे सकता है। तो 1 लाख के ऊपर से दोस्तों पहला है मॉर्गेज। अगर मॉर्गेज नहीं है तो थर्ड पार्टी गारंटी, प्रेफरेबली जो नौकरी करता है वो, और वो भी अगर नहीं हुआ तो और 2 डेयरी फार्मर का एक साथ ज्वाइंट गारंटी अगर आपको मिल जाएगा तो आपको 5 लाख तक ये लोन मिल सकता है। ये लोन आपको 5 साल में शोध करना है मंथली इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। और पहले 6 महीने में कोई इंस्टॉलमेंट देने की जरूरत नहीं है। ये टाइम जेस्टेशन पीरियड आपको मिल जाएगा, 6 महीने के बाद से आपको देना शुरू करना है और 5 साल में आपको लोन रिपेमेंट कर देना है। और जो लो वर्किंग कैपिटल आप ले रहे हैं वो रोलिंग होते जाएगा, वो चलते जाएगा। अगर आप चाहे तो वो कंटिन्यू कर पाएंगे। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है अभी वो 11.85% है। तो अगर आप ये डेयरी प्लस लोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि SBI का जो एग्रीकल्चर इंटेंसिव ब्रांच है, ADB ब्रांच है, वहां पर जाइए। नॉर्मल जो रूरल ब्रांच है वहां पे भी मिल जाएगा, लेकिन ADB ब्रांच जाने से ये लोन मिलने का चांस ज्यादा होता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके करीब में कोई ADB ब्रांच है वहां पर जाइए और वहां से एप्लीकेशन फॉर्म लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ जो आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, आपका KYC डॉक्यूमेंट मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो देना पड़ेगा। और मैंने जो कहा कि 10 एनिमल से नीचे आपको 0.25 एकर पर 5 एनिमल चाहिए, तो वो जो जमीन का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अगर 10 के नीचे नहीं तो 10 के ऊपर जो भी एनिमल आपके पास है उसका जो जमीन है उसका डीड का कॉपी जमा करना पड़ेगा। इससे बैंक के पता चलेगा हाँ आपको वो मिनिमम जो जमीन है आपके पास है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो आप खरीदना चाहते हैं, जो अगर आप मशीन खरीदना चाहते हैं तो उसका कोटेशन दीजिए। अगर गाय भैंस खरीदना चाहते हैं तो जो डेयरी से आप खरीदना चाहेंगे, अगर ओपन मार्केट से खरीदेंगे तो यूजुअली लोन मिलना मुश्किल होता है। तो कोशिश कीजिए कोई फार्म से खरीदने के लिए और उनके पास से कोटेशन ले लीजिए। अगर आप 1 लाख के ऊपर ले रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी भी देना है। अगर मॉर्गेज देते हैं तो वो लैंड का डीड रिकॉर्ड, म्यूटेशंस, टैक्स, ठीक है, लिंक डीड, ये सब चीज आपको जमा करना है। अगर थर्ड पार्टी गारंटी दे रहे हैं तो अगर वो सैलरीड पर्सन है तो उसका सैलरी स्लिप फॉर्म 16, ठीक है, उसका KYC आपको जमा करना है। और अगर आप 2 अलग डेयरी फार्मर का दे रहे हैं तो उसका KYC, उसका लोन अकाउंट का स्टेटमेंट और वो डेयरी का
जो बैलेंस शीट है वो भी जमा करना पड़ेगा। ये सब चीज जमा करने के बाद बैंक पहला जो चीज देखेगा, जो आपका जमीन है, जो आप दिखा रहे हैं कि मेरा इतना जमीन है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो चेक करेगा। आपका जो शेड है, अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट चेक करेगा, ठीक है। और अगर आप मॉर्गेज दे रहे हैं तो उसका सर्चिंग वैल्यूएशन करवाएगा। अगर आपका मिल्क सोसाइटी के साथ टाई अप है तो वो टाई अप एग्रीमेंट भी बैंक मांगता है, और जो सोसाइटी है उसके साथ पास से कंफर्मेशन भी बैंक मांग लेता है कि सच में आपका टाई अप है कि नहीं, और आपका जो कॉन्टैक्ट है उसके साथ वो अच्छा है कि नहीं। इसके बाद एक प्री सैंक्शन इंस्पेक्शन होता है, जहां पर आपका शेड, आपका जमीन, ठीक है, ये सब चीज चेक किया जाता है, और फिर बैंक आपको लोन देता है। अगर आप मशीन खरीदने के लिए ले रहे हैं तो मशीन का जो कोटेशन है उसमें जो अकाउंट नंबर है वहां पर ही पैसा दे दिया जाएगा। अगर आप भैंस नहीं तो गाय खरीद रहे हैं कोई फार्म से, तो फार्म का जो अकाउंट नंबर आपको देना पड़ेगा वो इस अकाउंट में ही क्रेडिट होगा, और बाकी वर्किंग कैपिटल पोर्शन आप खुद यूज कर सकते हैं। गाय नहीं तो भैंस जो भी आप खरीद रही हैं उसको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, यूजुअली बैंक खुद ही वो करवा लेता है, ठीक है, तो वो पार्ट आपको इंश्योर करना है। और आपको जो रिपेमेंट है वो 6 महीने के बाद से शुरू होगा, ये टाइम भी आप जान लीजिए। अगर आपको लगा कि 6 महीने के बाद से नहीं दे पाऊंगा तो आप बैंक के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं कि मैं महीने में नहीं 3 महीने में देना चाहता हूं, जो भी है, लेकिन 5 साल में ये लोन रिपेमेंट करना है। इसके बाद लास्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप है दोस्तों, वो है नाबार्ड का सब्सिडी क्लेम करना। जब ये लोन सैंक्शन हो जाएगा आप ब्रांच मैनेजर से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके लोन के अगेंस्ट में सब्सिडी क्लेम करने को। अगर आप जनरल कैटेगरी का हैं तो आपको 25% सब्सिडी मिल सकता है 10 एनिमल तक, और मैक्सिमम 1.25 लाख। ओके, तो जनरल में 25% सब्सिडी मैक्सिमम 1.25 लाख मिल सकता है, लेकिन 10 एनिमल तक, उसके ज्यादा होगा तो उसके लिए आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगा। और अदर जो स्पेशल कैटेगरी है लाइक नॉर्थ ईस्ट, SC ST, ठीक है, वुमेन, इसके लिए 33.33% सब्सिडी मिलता है और मैक्सिमम 1.67 लाख। दोस्तों ये सब्सिडी लोन सैंक्शन हो जाने के बाद बैंक क्लेम करेगा डायरेक्टली नाबार्ड से, और नाबार्ड ये सब्सिडी आपका सैंक्शन लेटर देखने के बाद वो सब्सिडी अमाउंट रिलीज कर देता है। वो सब्सिडी बैक एंडेड सब्सिडी होता है जो बैंक में आके एज ए नॉन इंटरेस्ट बियरिंग फिक्स डिपोजिट रह जाता है, और जब आपका लोन सोल्व हो जाता है, नहीं तो आपके लोन पे 2-3 साल बाद बैंक ये सब्सिडी आपके लोन अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। तो सब्सिडी क्लेम करना मत भूलिएगा, बैंक के साथ कंटिन्यूअस फॉलोअप पे रखिएगा, और ये देखिएगा कि कब सब्सिडी आ रहा है। अगर नहीं आया तो बैंक मैनेजर को चिट्ठी देके इंश्योर कीजिए कि ये सब्सिडी वो क्लेम करे। दोस्तों होप आज जो मैंने ये वीडियो बनाया SBI डेयरी प्लस स्कीम के बारे में, ये आपको हेल्प करेगा अगर आप नया डेयरी खोलना चाहे तो। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, एंड दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक में शेयर कीजिए। और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।